क्या हो अगर आप एक डेजर्ट में अकेले फंस जाओ, जहां आपके पास ना ही खाने कुछ हो और ना ही पीने को, ना ही ये पता हो कि कहाँ सोएंगे और कहाँ जाएंगे। ये थॉट अपने आप में ही बहुत ही डरा देने वाला है, लेकिन इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने इस डरावने थॉट को रियलिटी में जिया है। मैं बात कर रहा हूँ इटली के रहने वाले एक आदमी की जिसका नाम है मोरो प्रॉस्पेरी। मोरो प्रॉस्पेरी जो एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक फॉर्मर ओलंपिक पेंथलीट भी थे और ज़्यादातर अपने इंटरेस्ट की वजह से पहले से भी कुछ ज़्यादा एडवेंचरस और डेंजरस करने में लगे रहते थे। उनके इस इंटरेस्ट को देखते हुए उनके साथ रनिंग करने वाले एक 7 साल पुराने फ्रेंड जियोवानी मेंजो से उन्हें द मैराथन दे सेबल्स के बारे में पता चलता है और फिर वे दोनों इस 251 किलोमीटर लंबी मैराथन में एक साथ कम्पीट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस बात से अनजान कि ये मैराथन उनके लिए उनकी ज़िंदगी का कोई स्पोर्टिंग इवेंट नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम सर्वाइवल फेज होने वाला है। मैराथन दे सेबल्स, जिसे मैराथन ऑफ द सैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया की मोस्ट डिफिकल्ट मैराथन भी कहा जाता है। ये लगातार 7 दिनों तक चलने वाली एक मैराथन रेस है जिसमें रनर्स टोटल 251 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इस रेस के लिए सबसे पहले आपका इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। पूरे हफ्ते के लिए आपको सारा खाना और ज़रूरत की चीज़ों को अपनी पीठ पर लादकर ट्रैवल करना होता है। हर रात बकरी के बालों से बने हुए टेंट्स लगाए जाते हैं और जिसे अगली सुबह यूज़ करने के बाद आपको अपने साथ ले जाना पड़ता है। यहाँ तक कि पानी भी आपको सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में ही दिया जाता है और अगर आप अपनी अलाउड की हुई लिमिट से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आपको टाइम पेनल्टी भी लगाई जाती है। प्रॉस्पेरी जो 1994 में रेस के दौरान 39 ईयर्स के थे, वो इस मोस्ट डिफिकल्ट मैराथन को याद करते हुए बताते हैं कि मुझे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना काफ़ी पसंद था और इसलिए मैंने जल्दी इस मैराथन के लिए ट्रेनिंग करना भी शुरू कर दिया था। मैं एक दिन में अराउंड 40 किलोमीटर दौड़ता था और साथ ही साथ पानी की अपनी डेली रिक्वायरमेंट को भी कम करता जा रहा था जिससे मेरी बॉडी को डिहाइड्रेशन की आदत हो जाए और मुझे मैराथन करते हुए उस कंडीशन को अडॉप्ट करने में आसानी हो सके। इस वजह से मैं ज़्यादातर घर पर नहीं होता था और मेरी वाइफ सिंजिया को लगने लगा था कि मैं शायद पागल हूँ जो एक ऐसी मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ जिसमें आपको एक फॉर्म पर साइन करके ये बताना होता है कि अगर आप मैराथन करते हुए मर जाते हैं तो आपकी बॉडी को कहाँ भेजना है। काफी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद प्रॉस्पेरी मैराथन के लिए मोरक्को की एक फ्लाइट लेते हैं और मोरक्को पहुंच जाते हैं। अगर आज की बात करें तो अब यह मैराथन हर साल अराउंड 1300 पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट करता है और इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से आज के टाइम पर इस मैराथन में सेफ्टी पर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन वही 1994 की मैराथन में सिर्फ 134 पार्टिसिपेंट्स थे। रिजल्टिंगली प्रॉस्पेरी का कहना था कि 6 दिनों की मैराथन में उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सिर्फ खुद उन्हीं पर थी। 10 अप्रैल 1994, फॉर्म जुगीद मोरक्को में प्रॉस्पेरी और मेंजो और दूसरे 80 रनर्स के साथ कंपटीशन करते हुए इस अल्ट्रा मैराथन को शुरू करते हैं जो उनका पहला डेजर्ट इवेंट था। मैराथन के पहले 3 दिनों के दौरान प्रॉस्पेरी और मेंजो 96 किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं जो सॉल्ट बेड, माउंटेन्स और रेत के टीलों से बना हुआ था। सभी पार्टिसिपेंट्स सुबह एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, फिर भी कम पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से और सभी पार्टिसिपेंट्स की अपनी अलग अलग स्पीड होने के कारण सभी लगभग पूरी तरह से अकेले दौड़ रहे थे। मैराथन के रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉस्पेरी अपने बैग में सिग्नल फ्लेयर के साथ साथ अपना खाना, कपड़े, स्लीपिंग बैग, कंपस, पोर्टेबल स्टोव और एक इमरजेंसी किट लेकर मैराथन में आगे बढ़ रहे थे जबकि पानी की सप्लाई रेस चेक पॉइंट्स पर की जा रही थी। 14 अप्रैल को मैराथन का चौथा और सबसे लंबा फेज था जो कि 85 किलोमीटर से भी ज़्यादा फैला था। दोपहर तक प्रॉस्पेरी मेंजो को पीछे छोड़ देते हैं और 4th रैंक पर आने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। उस दिन टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रेत पर सूरज की रोशनी बढ़ने के कारण प्रॉस्पेरी हवा में गर्मी के बढ़ने को भी फील करते हैं। प्रॉस्पेरी उस दिन की दौड़ में 32 किलोमीटर की दूरी पर अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए रेत के छोटे छोटे टीलों को पार करना शुरू करते हैं। हालांकि हवा के तेज झोंकों से रेत के छोटे टीले ऊपर उठना शुरू कर देते हैं जिससे प्रॉस्पेरी का वजन धुंधला हो जाता है और देखते ही देखते एक सैंडस्टॉर्म बन जाता है। वहां रुककर रेत में डूब जाने के डर से प्रॉस्पेरी दौड़ते रहते हैं ये सोचते हुए कि वे मैराथन के ट्रैक को देख पा रहे हैं और बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। 1998 में मेंस जर्नल मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए प्रॉस्पेरी बताते हैं, जब रेत का तूफान चलना शुरू हुआ तो मैं बाकी सभी लोगों की नज़रों से दूर हो चुका था, लेकिन मैं दौड़ता रहा क्योंकि मुझे लगा कि मैं मैराथन ट्रैक देख सकता हूँ। मैं 7th रैंक पर था और अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहता था। हवाओं के रुकने से पहले काफ़ी अंधेरा था, मैंने फिर से दौड़ना शुरू किया लेकिन कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं खो चुका हूँ। प्रॉस्पेरी ने आगे बताया कि वे घंटों तक वापस पीछे जाते रहे लेकिन जल्दी ही ट्रेल मार्कर्स को ढूंढते रहने के लिए काफ़ी अंधेरा हो चुका था और इसीलिए उन्होंने वहीं अपना कैंप लगाया और सुबह होते ही फिर से अपनी तलाश शुरू की। लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके आसपास की जगह तो जैसे उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट ही थी। अब उनके पास थोड़ा सा खाना था और पानी तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। रेस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रॉस्पेरी पूरे दिन रेत के टीलों पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का वेट करते हैं और दोपहर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लगभग सीधे उनकी पोजीशन के ऊपर से उड़ता है लेकिन उन्हें नोटिस नहीं कर पाता।
अगले दिन प्रॉस्पेरी फिर से चलने का फैसला करते हैं। उन्होंने बाद में बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पास एक कंपास और एक मैप था, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक अच्छे तरीके से खुद को नेविगेट कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पोजीशन का ठीक से ना पता होने की वजह से ऐसा कर पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। वे आगे बताते हैं कि कुछ दूरी पर मुझे एक टूटा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया और जैसे ही मैंने उसे पास जाकर देखा तो पता चला कि वो मारबाउट था, जो कि एक मुस्लिम तीर्थस्थल होता है। वे कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ कोई रहता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ कोई नहीं था। हालांकि यहाँ उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ वे रह सकते थे। प्रॉस्पेरी ने आने वाले दिनों में इसी जगह को एक शेल्टर की तरह इस्तेमाल किया, इस उम्मीद में कि उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू टीम द्वारा ढूंढ लिया जाएगा। भूख लगने पर वो अपने बैग में से कुछ खाना निकालकर अपने यूरिन के साथ पोर्टेबल बर्नर पर पकाकर खा लेते थे। प्यास लगने पर अपने पैक से वेट वाइप्स और मॉर्निंग टाइम पर चट्टानों की उसको चाट लेते थे और कभी कभी अपना यूरिन भी पीकर अपनी बॉडी में हाइड्रेशन को बनाए रखने की कोशिश करते थे। प्रॉस्पेरी ने अपने बैग से एक छोटा इटालियन फ्लैग निकालकर उसे स्ट्रक्चर के ऊपर लगाने का भी फैसला किया, जिससे कि अगर कोई रेस्क्यू टीम या कोई हेलीकॉप्टर अगर वहां से निकले या उनकी तलाश में वहां आए तो उन्हें आसानी से इस बात का पता चल सके कि यहां शायद कोई रहता है और उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जा सके। जो खाना उनके बैग में था वो कुछ ही दिनों तक चल सकता था, और जब ये खाना भी खत्म हो गया तो फिर उन्होंने जिंदा रहने के लिए पक्षियों के अंडे और बीटल्स को भी खाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर के पास पाए जाने वाले चमगादड़ों और छिपकलियों को भी मारकर खाना पड़ा। ऐसा कुछ भी जिसमें थोड़ा भी मॉइस्चर था और जिसे इनके मांस को पकाकर एब्जॉर्ब किया जा सकता था। उनके पैक में एंटी डायरिया मेडिसिन भी थी, जो उन्हें अपनी बॉडी से ज़्यादा पानी को लूज करने से रोकने में काफ़ी हेल्पफुल थी। प्रॉस्पेरी के डिसअपियर होने के चौथे दिन एक और प्लेन उसी लोकेशन के पास से ही उड़ान भरकर निकल जाता है। वो बताते हैं कि उन्होंने रेत पर एक इमरजेंसी मैसेज SOS लिखकर और थोड़ी सी आग जलाकर भी प्लेन को सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन उस प्लेन ने उन्हें नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही आग जलनी शुरू हुई, एक और रेत का तूफान आ जाता है जो करीबन 12 घंटे तक चलता है और आखिर में प्रॉस्पेरी एक बार फिर से वहां अकेले रह जाते हैं। प्लेन्स के और उनके सिग्नल बार बार ना नोटिस करने की वजह से प्रॉस्पेरी चारकोल के एक टुकड़े से अपनी फैमिली को एक फेयरवेल मैसेज लिखते हैं और फिर अपनी पॉकेट नाइफ से अपनी रिस्ट काटकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं लेटकर रात भर अपनी मौत के आने का इंतजार करते रहते हैं। प्रॉस्पेरी 2014 में एक इंटरव्यू में इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस था और मुझे यकीन था कि मैं एक लंबी और दर्दनाक मौत मरने वाला हूं और इसलिए मैं बिना देर के जल्दी मरना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं यहां इस रेगिस्तान में मर गया तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा और मेरी पत्नी को पुलिस पेंशन भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कि इटली में अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो उसे 10 साल से पहले डेड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम अगर मैं इस मुस्लिम सैंड में मरता हूँ तो वो मेरी बॉडी को ढूंढ पाएंगे और मेरी पत्नी को एक पेंशन मिल पाएगी। अगली सुबह प्रॉस्पेरी अभी भी जिंदा थे और उन्हें अपनी रिस्ट पर बहुत ही कम ब्लीडिंग दिखाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड होने की वजह से उनकी नसों के अंदर ब्लड फ्रीली बहने के बजाय जमकर ब्लड क्लॉट बन गया था, लेकिन इसी वजह से एक बार फिर से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है और वो किसी हेल्प की तलाश में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दिन की गर्मी से बचने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में ट्रैवल करके पहाड़ों की ओर चलना शुरू करते हैं। हालांकि उनका मानना था कि पहाड़ मैराथन ट्रैक की डायरेक्शन में ही है, लेकिन रियलिटी में वो अब सारा डेजर्ट में और भी अंदर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे सूखी हुई नदी के पास से निकले, उन्होंने आसपास के प्लांट्स की जड़ों से लिक्विड निकाल कर पिया। रेगिस्तान में 8 दिनों के बाद प्रॉस्पेरी को एक डेजर्ट ओएसिस मिला। मैंने खुद को उस पर फेंक दिया और पागलों की तरह पानी को निगलने लगा, लेकिन मैं पानी को बहुत ही मुश्किल से निगल पा रहा था और लगभग तुरंत ही मुझे उल्टी हो गई। फिर मैं समझ गया कि मुझे छोटे छोटे घूंट लेने चाहिए और वो भी हर 10 मिनट में एक घूंट। आखिर में प्रॉस्पेरी की प्यास बुझ गई और वे वहां से थोड़ा पानी भरकर आगे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर उन्हें बकरी की कुछ ड्रॉपिंग्स मिलती हैं और वे उसके थ्रू ह्यूमन फुटप्रिंट्स को ढूंढने के लिए अपनी सर्च जारी रखते हैं। वे याद करके बताते हैं, मैंने एक पहाड़ी पर थोड़ा ऊंचा टीला सा बनाया जिसकी वजह से दूर में एक लड़की को देख पाया जो शायद 8 साल की थी और जानवरों के एक झुंड को चरा रही थी। वो लड़की टुआरेग के एक कारवां से थी जिसने तुरंत प्रॉस्पेरी को बकरी का दूध दिया और फिर उसे ऊंट के जरिए पास के एक गाँव ले जाया गया। मोरक्को में मैराथन शुरू होने के बावजूद प्रॉस्पेरी ने अपने गायब होने की पोजीशन से करीबन 290 किलोमीटर तक का ट्रैवल किया था और जो अनजाने में अल्जीरिया में भटक रहा था। शुरू में दोनों देशों के बीच टेंशन के चलते लोकल मिलिट्री पुलिस ने उन्हें इंटेरोगेट किया, लेकिन यह जानने के बाद कि वह कौन है और कहां कैसे आया, वे लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। प्रॉस्पेरी अपने स्ट्रगल में अराउंड 16 किलो का वेट खो चुके थे और जब उन्हें बचाया गया तो उनका वेट सिर्फ 45 किलो बचा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उनका लीवर पूरी तरह से फेल हो चुका था और हॉस्पिटल में उन्हें 16 लीटर ऐसा लिक्विड दिया गया जो उनकी नसों में जाकर उनकी डिहाइड्रेटेड बॉडी को फिर से हाइड्रेट कर सके। बाद में वेटली वापस आए और अपने परिवार से मिले, जहां उनका स्वागत बहुत खुशी के साथ किया गया। हालांकि अपने इस पूरे स्ट्रगल के बाद कई महीनों तक वे कुछ भी सॉलिड और हार्ड डाइट नहीं ले सके और वह लगभग 2 साल तक ठीक नहीं हुए। अब फ्रेंड्स, ये स्टोरी जितनी खतरनाक और डरा देने वाली लगती है, वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि प्रॉस्पेरी जो कुछ भी अपने स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं वो सब सिर्फ एक झूठ है और वो सिर्फ मनी और फेम पाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है ऐसा किसी भी इंसान के लिए करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
अब फ्रेंड्स आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये सब सिर्फ एक झूठ था या सच में हम इंसानों की कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि हम इस तरह के एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें।